हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये गार्लिक सैंडविच, गार्लिक बटर सैंडविच। बहुत ही टेस्टी होता है और एक बार घर में बनेगा, बच्चे बोलेंगे रोज़ बनाओ रोज़ बनाओ। स्टार्ट करते हैं हम। ये मेल्टेड बटर में हम पहले ये बारीक कटा, एकदम बारीक कटा हुआ दो पूरा लहसुन डाल रही हूँ मैं, पूरा दो पूरा गार्लिक डाल रही हूँ। बढ़िया से इसको मिला लो। फिर उसमें थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालो या थोड़ा सा ऐसी दरदरा भी डाल सकते हैं, बस इसका फ्लेवर आना चाहिए। बहुत 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 अच्छा लगता है ये वाला फ्लेवर। बहुत इजी रेसिपी है और अच्छा रेसिपी है। हाँ, नॉर्मली हम क्या करेंगे, ब्रेड पे जो भी सैंडविच ब्रेड होगा उस पे हम सॉस लगाएं। सॉस के अलावा आप कोई और भी चटनी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चटनी, ये सॉस इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें हम अंदर क्या क्या डालेंगे वो देखना है। पहले हम कैबेज डालेंगे, पत्ता गोभी के पत्ते। पत्ता गोभी के पत्ते से अगर आपके पास फ्रेश और अच्छा मूली का पत्ता हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि वो कड़वा ना हो तभी डालें। मेरे पास अच्छा नहीं था तो मैं नहीं डाला, तो इसको डालेंगे पहले। और एक चीज़ ध्यान, जूसी चीज़ें हम इसमें नहीं डालना है, हमें सिर्फ वो चीज़ डालनी है जो जूसी ना हो। इसमें गार्लिक के जो टोस्ट है वो जूसी अगर डालेंगे तो फिर गार्लिक का जो टेस्ट है वो अच्छे से नहीं आएगा। अनियन डालेंगे, आपको जैसा शेप में काटना है वैसे शेप में काट के इसको डाल लो, चॉप करके या राउंड शेप में, मैंने राउंड शेप में कट किया है। ये कैप्सिकम, इसको भी मैंने राउंड राउंड में काटा है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, अगर आपने एक भी एक चीज़ राउंड में काटा सबको राउंड में काटेंगे, और अगर आपने एक ऐसे चॉप किया है तो सबको चॉप करना होगा। ये हरी जो मिर्ची है, जो ग्रीन चिली है, ये ऑप्शनल है, तीखा पसंद हो तो डालिएगा नहीं तो नहीं। कैप्सिकम मैंने गोल डाला है। हाँ ध्यान, गाजर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कद्दूकस करके गाजर आप जितना मन चाहे उतना डालो। खीरा मत अवॉइड करना, खीरा टमाटर अवॉइड करना, क्योंकि वो जूसी होता है, फिर वो सैंडविच ख़राब कर देगा। जूसी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना है। फिर उसमें चीज़, ढेर सारा चीज़, मोजरेला चीज़ यूज़ करिए, स्प्रेड चीज़ अवॉइड, मतलब चीज़ जो है ना ड्राई में हमें यूज़ करना है। उसके बाद हमारा सैंडविच रेडी। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला या ब्लैक पेपर और काला नमक डाल देंगे, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे। सीजनिंग भी कर सकते हैं, जो भी हर्ब्स हमारे पास हो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीजनिंग पसंद है तो आप यूज़ कर लीजिए। फिर ये बंद हो जाएगा हमारा सैंडविच। ये हमारा ये सैंडविच लॉक हो गया। अब इसे हमें ग्रिल करना है। ग्रिल आप तवे पे करिए या सैंडविच में करिए। पहला प्रोसेस यही है, जो हमने अपना वो गार्लिक और बटर का एक बैटर तैयार किया था वो हम पूरे अच्छे से ब्रश कर लेंगे। तवे पे बना रहे हो तो तवे पे पहले ब्रश कर लीजिए, और अगर सैंडविच मेकर बनाए तो उसमें पहले ये लगा लीजिए, उसके बाद ही हम अपना सैंडविच इसमें रखेंगे। ये नीचे ढेर सारा लगाइए, उसी से तो हमारा रियल फ्लेवर और टेस्ट आएगा, क्योंकि हम ये गार्लिक सैंडविच बना रहे हैं। हमें इसे अंदर फिल नहीं करना है, इसको ऊपर ही ऊपर लगाना है, दोनों साइड में लगाना है। ये देखिए दोनों साइड में लगा रही हूँ, ये ब्रश मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है इस पर, फिर मैं ये चम्मच से ही लगाऊँगी। अच्छे से स्प्रेड कर देना है। गार्लिक का टेस्ट मतलब जितना अच्छा आना चाहते हो उतना गार्लिक यूज़ करिए। बटर मेल्ट करके डालिएगा ताकि अच्छे से सब मिल जाए, मैं दिखाई थी वीडियो में आपको, पूरा अच्छे से लगा लेना है। और इसको आप तवे पे एकदम आसानी से बना सकते हो, सेम प्रोसेस यूज़ करना है, बस जैसे मेकर में ना होगी तवे पे करना, सेकना पड़ेगा तो ध्यान देना होगा, और प्रेस करके सेकिएगा ताकि वो सब कुछ अच्छे से अंदर का जो है ना पक जाए। ये मेरा पक गया, दोनों लाइट जल गया, मतलब ये पक गया है। ये देखो क्या अच्छी स्मेल आ रही है, आपको बता नहीं सकती हूँ। गार्लिक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है बटर के साथ जब पकता है, तो वो स्मेल मुझे बहुत, मतलब वो स्मेल से किसी को भी भूख लग जाएगा, इतनी अच्छी स्मेल होती है। बहुत टेस्टी लग रहा है, काट के दिखाती हूँ कैसा दिखता है अंदर से। गर्म है सो मैं आराम से काटूँगी, आप भी ध्यान दीजिएगा, गर्म चीज़ काटने में थोड़ा हाथ जलने का डर होता है। किसी भी चीज़ से काटिएगा, सैंडविच है ये, कट गया अच्छे से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम डिलीशियस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी शेयर करिए, और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।